क्लास फिफ्थ में लाइफ स्किल्स देखिए, लाइफ स्किल्स में इसने बोला है कि आप मॉनिटर हैं अगर क्लास के, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। और रिसेंटली एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, अ न्यू स्टूडेंट हैज़ टेकन एडमिशन इन योर क्लास। तो रिसेस के समय आपने देखा कि यू फाइंड दैट सम नॉटी स्टूडेंट्स आर टीजिंग द न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट नए स्टूडेंट को कुछ शरारती बच्चे हैं जो परेशान कर रहे हैं, तो यू ट्राई टू स्टॉप देम, आपने उनको रोकने की कोशिश की, बट दे आर नॉट रेडी टू बज, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन है फाइट विद देम, उनके साथ लड़ोगे, आस्क द न्यू स्टूडेंट टू गो अवे फ्रॉम देयर, या फिर नए स्टूडेंट से कहोगे वहाँ से चले जाओ, कीप क्वाइट एंड वॉक अवे, वहाँ से शांत होकर निकल जाओगे, ज्वाइन द अदर स्टूडेंट्स इन टीजिंग द न्यू स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स के साथ मिलके, पुराने स्टूडेंट्स के साथ मिलके नए स्टूडेंट को परेशान करोगे, या फिर कंप्लेन टू द प्रिंसिपल एंड रिक्वेस्ट हर और हिम टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज नॉटी स्टूडेंट्स, या फिर प्रिंसिपल को जाके कंप्लेंट करोगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि जो शरारती बच्चे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि प्रिंसिपल को जाके रिक्वेस्ट करना है कि जो बच्चे नए स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि रैगिंग जो है, इसको रैगिंग बोलते हैं, अगर आप इस तरह से बच्चों को परेशान करते हो तो वो गलत बात है, रैगिंग एक ऑफेंस है, एक गलत बात है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, और इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसा कहीं भी ना हो, आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है इंश्योर करना, ये पक्का करना कि इट शुड नॉट हैपन टू एनीवन, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये हमारी लाइफ स्किल है।